हेलो नमस्कार, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है रश्मि रावत और आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के लगभग 8:30 बज चुके हैं और आज इस ब्लॉग का स्टार्ट हो चुका है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप ब्लॉग में बने रहें। और अब इस टाइम मेरा नाश्ता बनाने का टाइम हो चुका है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जाती हूँ छत में, थोड़ा सा 2-4 पत्ते धनिया के मिल जाएंगे तो वो ले लूँगी। पर धनिया वैसे ख़त्म हो चुका है, सारा हमने तोड़ लिया था और बारिश के कारण थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बारिशें हो गई हैं तो वो ख़राब हो गया है। तो दोबारा से बोऊँगी या जो मतलब तोड़ तोड़ के रखा था उस पर से भी नए उगेंगे और कुछ दोबारा भी बो लूँगी। तो थोड़ा सा मार्च तक धनिया, फरवरी मार्च मतलब ऐसे धनिया मिल जाएगा। तो अभी आज का मौसम ऐसा है जैसा कि आप देख रहे हैं, बाहर थोड़ी सी धुंध लगी हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और देखते हैं आज धूप आती है या नहीं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे आगे आपको मैं बताती रहूँगी। तो अब मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो ये थोड़ा सा मुझे हरा धनिया मिल गया था और दो लहसुन के पत्ते में ले आई हूँ, तो इतना ही बहुत है क्योंकि इसमें खुशबू काफ़ी अच्छी है। तो आज मेरे किचन में फिर से पहाड़ी नाश्ता बन रहा है और उसके लिए मैंने यहाँ पर अदरक, लहसुन के पत्ते, धनिया और भुना हुआ जीरा और हरी मिर्च ले ली है। पहले मैं इसको पीस लेती हूँ क्योंकि जब बात आती है पहाड़ी नाश्ते की तो सिलबट्टे का यूज़ ज़रूर किया जाता है। ये देखिए मैंने ले ली है यहाँ पर पहाड़ी दाल, इसमें है तोर और गैद, तो इसको मैं भी सिलबट्टे में पीसूंगी और इसके मैं बनाऊंगी पराठे। तो यहाँ पर मैंने दाल को पीस लिया है और उसके बाद मैं इसमें जो हरा धनिया लहसुन वगैरह है तो उसको भी मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया है, नमक मैंने दाल को उबालते टाइम भी डाला था तो नमक थोड़ा सा ही डाला है अब। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद बनाऊंगी मैं इसके स्वाले की जो मतलब भर के और तेल में तल के बनते हैं, उनको हमारे उत्तराखंड में स्वाले बोलते हैं और कुछ लोग मतलब बाहरी लोग उसे कचौड़ी कहते हैं, तो हम तो स्वाले ही कहते हैं इसे। हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है तो आज हमारे घर आए हुए हैं कोई स्पेशल गेस्ट, तो मैं आपको उनसे मिलवाने जा रही हूँ। तो वो स्पेशल गेस्ट हैं नरेंद्र सिंह नेगी, तो मैं आइए आपको मिलवाती हूँ नरेंद्र सिंह नेगी जी से। नमस्कार YouTube फैमिली, कर बोल दे तुम। नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। तो ये नरेंद्र सिंह नेगी हैं, तो आप अपना चैनल का नाम बता दीजिए, उनका भी एक चैनल है। मेरा चैनल का नाम है नोमैड नरी और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप एक बार ज़रूर जाकर देखना इनके चैनल पर वीडियो, मुझे तो बहुत पसंद आती है, मैं सारी वीडियोस देखती हूँ, बहुत ही अच्छी और बहुत सारी जगह को उन्होंने एक्सप्लोर किया है, तो आप जाकर ज़रूर देखना उत्तराखंड के भी। और आप गिरी से हैं है ना? अपने उधर बता दो क्या क्या हमारे वहाँ कुछ नहीं, टिहरी लेक है मेन फेमस, बाकी धनौल्टी मसूरी हमारे सारा मतलब ये है 40-50 किलोमीटर के रेंज में आते हैं, तो वो सारा अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन एक्सप्लोर कर रखी हैं, तो वो आप चैनल पर देख लेना एक बार, जैसे पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, बाकी नहीं आया तो कोई ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करना। मेरे हिसाब से तो अगर आप जाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो एक बार आप ज़रूर देखना। और ये एक यूट्यूबर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है, धन्यवाद। तो आप एक बार ज़रूर देखना। तो आज स्पेशली हमसे मिलने आए हैं, ये बहुत अच्छा लगा है लोगों से मिलके, मतलब काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था यहाँ आने का लेकिन प्लान बन नहीं पा रहा था, तो मतलब कभी घूमने हो जाता फिर कभी ये लॉकडाउन के चक्कर में बंद हो गया था संडे सैटरडे, तो उसके चक्कर में तो भाई अभी चंडीगढ़ से आया था, चंडीगढ़ के बाद फिर यहाँ आना हुआ, मैंने कहा चलो एक दिन स्टे करके यहाँ से फिर निकल जाएंगे दूसरे दिन। बाकी इन्होंने खूब सेवा पानी करी, हमने परांठे वगैरह खाए और
कल तो बकरा भी खाया हमने। नहीं हमें भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, मतलब इंतजार कर रही थी मैं कि कब आएंगे, चलो अच्छा लगता है। तो यार सपोर्ट करना इन्हें भी, मतलब ये मैंने देखा इनके मतलब डेली व्लॉग होते हैं ना जो, उनमें बहुत मेहनत लगती है भाई। ये आसान नहीं होता, जैसे मैं हफ्ते में या दो हफ्ते में डालता हूँ एक वीडियो, लेकिन भाई ये डेली मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को शायद पता होगा, जो क्रिएटर लोग हैं ना उन्हें पता होगा, इससे वो रिलेट कर पाएंगे कि कितनी मेहनत होती है। इतनी सारी वीडियो सुबह से शाम तक रिकॉर्ड करना, फिर उसे एक्सपोर्ट करना, फिर उसे अपलोड करना, टैक्स वगैरह, मतलब बहुत मेहनत होती है। और डेली लाइफ में करना वो तो बहुत ही टफ हो जाता है फिर। तो मेहनत तो लगती है क्रिएटर्स को, भाई सलाम है। तो सबके वीडियो को, मतलब जो पहले से ही आगे बढ़े हैं उनको तो सपोर्ट करने के साथ साथ जो भी न्यू क्रिएटर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तभी सबका मतलब मेहनत भी दिखेगी। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें तो मिलके। तो आप एक बार ज़रूर जाकर देखना चैनल पर। बाय बाय। देखो कैसे मस्ती कर रहा है उसके साथ। अरे नहीं वो तंग हो रही है। अपनी आंखें बंद करके कह रहा मुझे ढूंढो, ये कह रहा वो। हाँ ऐसे ही करता हो, मुझे ढूंढो और करवाओ, मुझे ऐसे कह रहा है वो। उसको तो यही होता है ये। दप्पा दप्पा आदि बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया है, वरना जैसे ही मैं इसकी कंगी करने की कोशिश कर रही है भाग जा रहा है। और अभी इसके पास फोन है तो इस बहाने इसकी कंगी हो जाएगी। ये देखो आदि की चोटी बन गई। क्या कर रहे हो आदि? बिस्किट खा रहे हो? दीदी को दिया तुमने? शेयर करना चाहिए ना, शेयर करके खाना चाहिए ना। अंशिया की आदत इतनी अच्छी है कि वो हर चीज़ शेयर करती है, यहाँ तक कि वो बेला को भी देती है। चाहे घर में कोई भी चीज़ आए तो वो चाहे थोड़ा सा टुकड़ा दिया पर उसे ज़रूर देती है। अच्छा नहीं लगता ना कि मतलब मैं खा रही हूँ, कोई और नहीं खा रहा। यही चीज़ मैंने शुरू से ही सिखाई है और मैं बहुत खुश होती हूँ जब अंशिका ऐसे करती है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ, और अंशिका से स्कूल में शुरू से ही मैंने उसे बोला स्कूल में आप कुछ भी लेके गए हो, फ्रूट्स वगैरह कोई भी अच्छी चीज़, तो उसे कर दो शेयर। तो हाँ शेयर करके खाना चाहिए है ना, क्योंकि जब आप हाँ अच्छा ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह धोकर डाल दिए हैं। धूप तो है नहीं पर थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है, तो हवा से थोड़ा सा इनमें सूख जाएंगे। तो दोपहर का खाना वगैरह मेरा बन चुका है और अब खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।